देखिए, जो जो इंसिडेंस हुआ है बहुत गलत हुआ है, और देश में हर राज्य में और देश के हर इलाके में जहां जहां ऐसे क्राइम हुए हैं, वहां वहां सख्त से सख्त सजा मुजरिम को मिलनी चाहिए। जो भी कल्प्रिट है उनको, वो सजा के हकदार है, उनको सजा मिलनी चाहिए। आरटिकल में जो घटना घटी है उसके लिए बीजेपी जो है वो लोग सीएम साहब के इस्तीफे की मांग कर रही है, आप क्या कहेंगे? देखिए, जो जो इंसिडेंस हुआ है बहुत गलत हुआ है, और देश में हर राज्य में और देश के हर इलाके में जहां जहां ऐसे क्राइम हुए हैं, वहां वहां सख्त से सख्त सजा मुजरिम को मिलनी चाहिए। जो भी कल्प्रिट है उनको, वो सजा के हकदार है, उनको सजा मिलनी चाहिए। रेलवे का काम है, जो डिमांड हमने किया था लोकसभा में, उसके लिए यहाँ पे आए, थोड़ा इंक्वायरी करेंगे, और फिर मीटिंग भी है रेलवे बोर्ड के साथ, तो वहाँ पे जाके फिर से डिमांड रखेंगे और ये जो प्रोजेक्ट है उसको आगे लेके जाएंगे। बिल्कुल, जूट के लिए आप कह रहे हैं संसद में जूट के लिए भी कह रहे हैं, और बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस भी मिला है मुझे, जो कि टेक्सटाइल मिनिस्टर है, उनसे काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिला मुझे, और उनको भी ये चीज को बहुत ही अच्छे से आगे लेके जाना है, जूट इंडस्ट्री आगे बढ़े और जूट के जो फार्मर है, जो खेती करते हैं, उनको भी फायदा हो, और जो छोटे मोटे इंडस्ट्रियल है जो जूट का काम करते हैं, उनको फायदा हो, इस को आगे लेके जाना है। और जो आप प्लेइंग अकेडमी कर रहे हैं इधर बानपुर में, आपने बोला तो वो क्या कैसे क्या हाल चाल उधर वो है? मैं बस अभी आया हूँ, मैंने लिख के दिया था, हम लोगों ने पिछले 1 महीना हो गया है, एक महीना ज्यादा हो गया है, वो लैंड के लिए, जमीन के लिए लिख के दिया है, वो जमीन मिलेगा हमको, अलॉट होगा, उसके बाद हम लोग उसको आगे किस तरह से उसको बढ़ाना है, किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर उसका बनाना है, उसके पीछे काम करेंगे। प्ले ग्राउंड के लिए तो काम हो जाएगा, वो तो बहुत पुराना स्टेडियम है, उसको अगर आप ध्यान दें तो बहुत ही बढ़िया होगा। यहाँ देखेंगे, लेकिन एक वही बोला है कि उसको किस तरह से बनाना है, डेवलप किस तरह से करना है, उसको हम ध्यान देके उसके पीछे काम करेंगे। सीएम मैडम ने और हम सबका यही मांग है कि जो भी कल्प्रिट है उनको सजा मिलना चाहिए, और मेरा भी यही डिमांड है, और यहाँ पे जितने लोग हैं उनका भी यही डिमांड है कि जो कल्प्रिट है उसको सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए। और कोई है आपका लगने में, और कोई है हो सकता है? इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और जांच जो चल रहा है उसको पूरा होने के बाद पता चलेगा कि किसका रिजल्ट क्या आएगा। आर्टिकल में जो घटना घटी है उसके लिए बीजेपी जो है वो लोग सीएम साहब के इस्तीफे की मांग कर रही है, आप क्या कहेंगे? देखिए, जो जो इंसिडेंस हुआ है बहुत गलत हुआ है, और देश में हर राज्य में और देश के हर इलाके में जहां जहां ऐसे क्राइम हुए हैं, वहां वहां सख्त से सख्त सजा मुजरिम को मिलनी चाहिए। जो भी कल्प्रिट है उनको, वो सजा के हकदार है, उनको सजा मिलनी चाहिए। रेलवे का काम है, जो डिमांड हमने किया था लोकसभा में, उसके लिए यहाँ पे आए, थोड़ा इंक्वायरी करेंगे, और फिर मीटिंग भी है रेलवे बोर्ड के साथ, तो वहां पे जाके फिर से डिमांड रखेंगे, और ये जो प्रोजेक्ट है उसको आगे लेके जाएंगे। बिल्कुल, जूट के लिए आप कह रहे हैं संसद में क्या जूट के लिए भी कह रहे हैं, और बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस भी मिला है मुझे, जो कि टेक्सटाइल मिनिस्टर है, उनसे काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिला मुझे, और उनको भी ये चीज को बहुत ही अच्छे से आगे लेके जाना है, जूट इंडस्ट्री आगे बढ़े, और जूट के जो फार्मर है, जो खेती करते हैं, उनको भी फायदा हो, और जो छोटे मोटे इंडस्ट्रियल है जो जूट का काम करते हैं, उनको फायदा हो, इस को आगे लेके जाना है। और जो आप प्लेइंग अकेडमी कर रहे हैं इधर बानपुर में, आपने बोला तो वो क्या कैसे क्या हाल चाल उधर वो है? मैं बस अभी आया हूँ, मैंने लिख के दिया था, हम लोगों ने पिछले 1 महीना हो गया है, एक महीना ज्यादा हो गया है, वो लैंड के लिए, जमीन के लिए लिख के दिया है,
वो जमीन मिलेगा हमको, अलॉट होगा, उसके बाद हम लोग उसको आगे किस तरह से उसको बढ़ाना है, किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर उसका बनाना है, उसके पीछे काम करेंगे।